एवेंजर्स जैसी लेकिन देसी फिल्म देखनी है या फिर हॉरर कॉमेडी का अच्छा डोज चाहिए? दोनों सवालों का जवाब है स्त्री 2। अगर आपने फिल्म का पहला पार्ट स्त्री देखा है तो जाहिर है कि आपको इस फिल्म का इंतजार जरूर रहा होगा। ये फिल्म उन उम्मीदों पर बखूबी खड़ी उतरी है, तो अगर आप इसे देखने का मूड बना चुके हैं तो एक बार रिव्यू भी सुन लीजिए, क्योंकि इससे आपका फिल्म का देखने का मजा दोगुना हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पुरानी फिल्म खत्म हुई थी। चंदेरी नाम के गाँव वालों को स्त्री से छुटकारा तो मिल चुका था, लेकिन गाँव वालों को ये नहीं पता था कि उनके सामने उससे भी बड़ी समस्या आने वाली है। इस बार स्त्री के ना रहने का फायदा उठाकर सरकटा नाम का एक पिशाच गांव में तबाही मचाने आ चुका है। पिछली बार की ही तरह इस बार भी इस तबाही को रोकने का जिम्मा विकी यानी कि राजकुमार राव के कंधों पर आ गया है, जिसमें उसकी मदद जना यानी कि अभिषेक बनर्जी, बिट्टू अपार शक्ति खुराना और रुद्र पंकज त्रिपाठी करते हैं। उनकी ताकत बनने के लिए श्रद्धा कपूर के करेक्टर की भी एंट्री होती है। इंसान और पिशाच, चुड़ैल भूत के बीच इस महायुद्ध में क्या होता है, ये तो आपको देखने के लिए या फिर इस बात को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। कहानी पर बात हो गई तो फिल्म ओवरऑल कैसी है इस पर बात करते हैं। लगभग 2.5 घंटे की फिल्म का इंटरवल कब आ जाता है ये पता ही नहीं चलता। फिल्म सरपट दौड़ती हुई आगे बढ़ती है और ये किसी भी फिल्म का सबसे पॉजिटिव पार्ट होता है कि उसे देखते समय आपको ये एहसास ही ना हो कि कब टाइम निकल गया, वरना अगर फिल्म कहीं भी लंबी लगी तो वो बोरिंग होने लगती है। फिल्म में ये कमी है ही नहीं, यानी पूरा टाइम आप सिर्फ एंटरटेन रहेंगे। इंटरवल के बाद ज्यादातर लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ कि अब थोड़ी ही देर में फिल्म खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने दिनों बाद अगर आपको हॉल में कुछ अच्छा देखने को मिल रहा हो तो आप चाहेंगे कि इसका मजा जितना ज्यादा ले लिया जाए उतना ही बेहतर है। चलिए फटाफट से एक्टिंग पर बात करते हैं। अगर ये कहा जाए कि राजकुमार राव ने बेहतरीन काम किया है तो ये अधूरा लगेगा। अगर हम ये कहें कि पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी ने भी शानदार एक्टिंग की है तो ये बात भी जस्टिफाइड नहीं होगी। किसी भी फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए सारे जरूरी एलिमेंट्स में से एक एक्टिंग वाला एलिमेंट और भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इस फिल्म में वो इतना गजब का है कि आप किसी एक की तारीफ कर सकते ही नहीं है। आप यूं कहें कि इन चारों ने मिलकर इतना जबरदस्त और सिर्फ कमाल का काम किया है तो ये बात पूरी तरह से फिट बैठती है। हर एक सीन में जब भी ये चारों एक साथ होते हैं या इनमें से कोई भी सोलो दिखता है, एक्टिंग कर नहीं रहे होते हैं बल्कि एक्टिंग को जी रहे होते हैं। एक ही फिल्म में कई एक्टर्स की एक साथ इतनी गजब की कॉमिक टाइमिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है। श्रद्धा कपूर पहले पार्ट की तरह बेहद खूबसूरत और बेहतरीन लगी हैं। इसके अलावा छोटे छोटे रोल्स में दिखे बाकी के एक्टर्स, वो जैसे पंचायत वाले बनराकस की बीवी का रोल निभा चुकी सुनीता राजवार हो या फिर राजकुमार राव के पापा के रोल में दिखे अतुल श्रीवास्तव हो, सबने दिखाया है कि थिएटर वाला एक्टर होना क्या होता है। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन की कमान अगर कौशिक के ही हाथ में है, उन्हें जैसे वरदान मिला हो इस तरह की हॉरर कॉमेडी में कुछ बेहतरीन रच देने का। उन्होंने फिर से बेहतरीन ही रचा है। इससे पहले उन्होंने भेड़िया और स्त्री जैसी कमाल की फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने हॉरर कॉमेडी को इंडिया में नया आयाम दे दिया है। पूरी फिल्म में उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि दर्शक नाराज नहीं होने चाहिए। कहानी को कुछ ऐसे पेश किया है कि डराने वाले सीन से लेकर रुनाने वाले सीन तक हर जगह हंसने के लिए कोई ना कोई मौका दर्शकों को मिल ही जाता है। चलिए ये तो बात हो गई एक्टिंग, डायरेक्शन और इन सब पर, अब फिल्म की खास बातों पर ध्यान देते हैं। फिल्म की सबसे खास बात ये है कि फिल्म पूरे 2.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाएगी, यानी जिस चीज का वादा इस फिल्म के मेकर्स ने किया था वो पूरा किया गया है। ये फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 वाली कैटेगरी की फिल्म भी बन चुकी है। कहने का मतलब ये है कि जब फिल्म का सिक्वल फिल्म के पहले पार्ट जैसा ही दमदार और शानदार हो, यानी यहाँ फिल्म चलाने के लिए सिर्फ फ्रेंचाइजी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि उसकी इज्जत भी रखी गई है। हमने शुरुआत में ही कहा था कि हॉलीवुड की एवेंजर्स जैसी लेकिन देसी फिल्म का मजा लेना हो तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। दरअसल ये फिल्म एवेंजर्स सीरीज की तरह ही मैडॉक फिल्म के हॉरर यूनिवर्स के अलग अलग हीरोज को भी फिल्म में इंट्रोड्यूस करती है और इस कोशिश में
सफल साबित होती है, और वो भी सफल ऐसे कि सबको उनके हिस्से का स्क्रीन प्रेजेंस मिला है। यही बात फिल्म के चार बाकी किरदारों के साथ भी लागू होती है। ये कहना पूरी तरह से गलत हो जाएगा कि ये फिल्म सिर्फ राजकुमार राव की है। फिल्म में उतना ही अच्छा काम और उतना ही स्क्रीन प्रेजेंस पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति और अभिषेक बनर्जी का भी है। फिल्म में कई सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे भेड़िया यानी कि वरुण धवन की एंट्री। इसके अलावा फिल्म में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है अक्षय कुमार की एंट्री। ये फिल्म अक्षय कुमार के फैंस के लिए बड़ा तोहफा लेकर आई है, क्योंकि फिल्म में ये इंडिकेशन भी दिया गया है कि आने वाले दिनों में इस यूनिवर्स का वो अहम हिस्सा होने वाला है। फिल्म को सिर्फ 4 स्टार ही क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह है कि फिल्म में कुछ और भी काम किए जा सकते थे, जैसे कि फिल्म के VFX और स्पेशल इफेक्ट वाले सीन और सजीव किए जा सकते थे। यानी कि फिल्म सबसे अच्छी है, फिल्म में एक्टिंग अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है, डायरेक्शन से लेकर गाने तक, लेकिन VFX और स्पेशल इफेक्ट्स में थोड़ा सा और सुधार हो सकता था। इस वजह से फिल्म को 4 रेटिंग दी गई है। सरकटा भूत कई जगह एनिमेटेड लगता है, भेड़िया भी कई जगह इसी काम का शिकार रखता है। हालांकि आप अगर ये फिल्म देख चुके हैं, अगर देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। शुक्रिया।